नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी नॉलेज वाणी में। हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, इस कहानी में हम जानेंगे कि रावण, जो कि भगवान शिव का परम भक्त था, आखिर क्यों भगवान शिव सहित कैलाश पर्वत को लंका ले जाना चाहता था, और फिर गणेश जी ने ऐसा क्या किया जो रावण नहीं ले जा सका शिव जी को लंका। साथियों, कहानी बहुत ही ज्ञान और प्रेरणादायक है, तो कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही भक्ति में वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों, ये कथा वहां से आरंभ होती है जब परम शिव भक्त रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए अपने अपार बल का परिचय देते हुए कैलाश शिखर को उठा लिया था। तब भगवान शिव ने रावण का अहंकार नष्ट करने के लिए मात्र अपना अंगूठा आसन से नीचे लगा रखा था, और तब रावण के दोनों हाथ कैलाश के नीचे दब गए थे। अब रावण ने उस चित्कार को एक स्रोत के रूप में गाया, क्योंकि वह भगवान से तो कह नहीं सकता था कि आपने मेरे हाथों को क्यों दबा दिया है। रावण ने इतनी मधुरता से गाते हुए भगवान शिव का वर्णन किया कि भगवान शिव आनंद तांडव करने लगे, और इस स्रोत को शिव तांडव का नाम दिया गया। रावण ने कहा, भगवान कृपा कर, आप मेरे साथ चलिए। भगवान शिव बोले, तुमने मुझे इतना आनंदित किया है, अतः मैं तुम्हें आत्मलिंग अर्थात एक शिवलिंग देता हूं। इसको लंका में स्थापित करने से तुम अजर अमर हो जाओगे, परंतु इसको ले जाते समय जहां धरती पर रखोगे ये शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण ने हामी भर ली कि प्रभु, अभी पुष्पक विमान ले आता हूं। तो भगवान शिव ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम इस शिवलिंग को पद यात्रा करते हुए कैलाश से लंका तक ले जाओगे। तब रावण को अमर होना था, इसीलिए उसी समय मस्तक पर शिवलिंग को रखकर पद यात्रा शुरू कर दी। इस बात से रावण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु देवताओं के भय का ठिकाना नहीं रहा कि अभी रावण अमर नहीं था, तब हम देवताओं के साथ इतना अत्याचार किया करता था, यदि ये अमर हुआ तो हमारी स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। तब उन्होंने भगवान गणेश के साथ मंत्रणा की। भगवान गणेश ने सबकी रक्षा करने का उपाय सोचा और अपनी लीला आरंभ करी। पहले तो उन्होंने 12-13 वर्ष के एक ग्वाले का वेश बनाया और जानवरों को चराने लगे। कुछ समय पश्चात रावण भी उसी मार्ग से आया। गणेश जी की लीला के दूसरे चरण में रावण को अचानक लघु शंका आई। उसने ग्वाले से उस शिवलिंग को पकड़ने की विनती करी। ग्वाले ने कहा, मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा, यह बहुत भारी प्रतीत होता है। रावण को अब बहुत तीव्रता से लघु शंका का अनुभव होने लगा। उसने अपने आभूषण और बहुत सी वस्तुओं का लोभ दिखाया, जो कि भगवान गणेश की स्वयं की लीला का ही एक अंश था। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरे शीश पर रख दीजिए और शीघ्रता से आ जाना। रावण लघुशंका के लिए चला गया और गणेश जी बार बार पूछने लगे, निवृत्ति हुई या नहीं। कहा जाता है कि रावण की लघुशंका से वहां तालाब बन गया, जो वर्तमान समय में सेमरई झील के नाम से प्रसिद्ध है। अब तक गणेश जी थकान से विचलित हो गए थे और रावण को एक या दो बार चेतावनी की कि शीघ्रता करो, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। यह कहकर गणेश जी शिवलिंग वहीं पर रखकर अपने जानवरों के साथ चले जाते हैं। अब रावण निवृत्त हुआ, उसने देखा कि बालक दूर जा रहा है। वो क्रोधित हुआ और शिवलिंग को उठाने लगा, परंतु वह तो स्थापित हो चुका था।
क्रोधित रावण ने इतने दबाव से अपना अंगूठा रखा कि शिवलिंग धरती में धस गया और अंगूठे के दबाव से उस पर गोकर्ण गाय के कान जैसा निशान बन गया। अब रावण उस ग्वाले अर्थात बालक गणेश जी का पीछा करने दौड़ा। बालक एकदम से एक कुएं में कूद गया और अदृश्य हो गया। इस प्रकार भगवान गणेश की अनुकंपा के फलस्वरूप देवताओं की रक्षा हुई, शिवलिंग लंका नहीं जा पाया। अब प्रश्न ये आया कि शिवलिंग आखिर कहाँ स्थापित हुआ। साथियों, यह स्थान लखीमपुर खीरी के समीप एक स्थान है जिसका नाम गणेश जी के ग्वाला रूप तथा शिवलिंग पर गोकर्ण के चिन्ह के कारण ग्वाला गोकर्ण नाम दिया गया है, जिसे आज गोला गोकर्ण कहा जाता है। छोटी काशी के नाम से विख्यात यह शिवनगरी रेलवे स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह पौराणिक शिवलिंग स्थापित है। तो साथियों, आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों को भी शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।